लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी अब अपने प्रत्याशियों के नाम तय करने में जुट गई है। लगातार मंथन कर रही है। बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है। एक नेता दूसरे नेता के साथ मशविरा कर रहे हैं कि किस राज्य में किस सीट से किसे उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन बीजेपी में टिकटों के बंटवारे के लिए एक व्यवस्था है कि पहले कोर ग्रुप की बैठक होगी, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, यानी सीईसी की बैठक होगी, और सीईसी ही बीजेपी में वो सर्वोच्च इकाई है जो प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाती है। अगर सीईसी से किसी के नाम पर मुहर लग गई तो कहा जाता है कि टिकट मिल गया, यानी उसे उम्मीदवार बीजेपी ने बना दिया। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से अगर देखें तो, क्योंकि बीजेपी में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं उनकी ये बैठक होगी। और ये बैठक कह सकते हैं कि देर शाम नहीं रात तक चलेगी। और आज उम्मीद की जा रही है कि 100 या 100 से ज़्यादा नामों का ऐलान बीजेपी कर सकती है, यानी 100 उम्मीदवारों की घोषणा आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी कर सकती है। अब सवाल उठता है कि किन लोगों को उम्मीदवार बीजेपी बना सकती है, किनका नाम आज की लिस्ट में आ सकता है, किसके नाम की घोषणा हो सकती है और आज किन किन के नामों पर मुहर लगाई जा सकती है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर बीजेपी हमेशा से पर्दा रखती है, यानी यूं कहिए कि गोपनीयता बरतती है और शुरू से गोपनीयता बरती जा रही है बीजेपी में। और जब सीईसी की बैठक हो जाती है, नामों पर विचार हो जाता है, क्योंकि सीईसी की बैठक कोई 10 मिनट 15 मिनट एक घंटे नहीं चलती है, कई घंटों तक ये बैठक चलती है, यानी मैराथन बैठक होती है, उसमें मंथन किया जाता है, एक एक नाम पर विचार होता है, हर एंगल से विचार किया जाता है, तब जाकर जो सहमति बनती है उसके बाद उन नामों का ऐलान कर दिया जाता है। तो आज उम्मीद की जा रही है कि 100 या 100 से ज़्यादा नामों का ऐलान सीईसी की बैठक के बाद बीजेपी की तरफ से आज की जा सकती है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। अब इस फॉर्मूले पर बीजेपी चल रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिला, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव रहा हो या छत्तीसगढ़ का या राजस्थान का, अलग अलग राज्यों में हो, तो बीजेपी एक नए फॉर्मूले पर चल रही है और उसी फॉर्मूले के तहत बीजेपी काम कर रही है कि पूरे देश भर के, चाहे वो विधानसभा की सीटें हों या लोकसभा की सीटें हों, बीजेपी ने ए, बी, सी और डी श्रेणियों में बांट रखा है। तो आज जो जानकारी मिल रही है उसमें संभावना इस बात की है, जो पार्टी की तरफ से संकेत मिल रहे हैं वो संकेत ये हैं कि दो तरह के नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। एक वो नाम जिनके पर कोई विवाद नहीं है, यानी जिनको लोकसभा चुनाव लड़ना ही लड़ना है, जिनके लोकसभा क्षेत्र को लेकर के भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है और इसकी भी संभावना बहुत कम है कि उनको टिकट न मिले, उनका टिकट कट जाए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या फिर आप देख लें खुद जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके भी लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन अब राज्यसभा के हो गए, लेकिन बावजूद इस नाम की चर्चा चल रही है। उसके साथ ही तमाम सारे केंद्रीय मंत्री हैं, जैसे निर्मला सीतारमण हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, पीयूष गोयल हो, मनसुख भाई मंडाविया हो, तो कहा जा रहा है कि जिनके नाम निर्विवाद है, यानी जिन लोगों को मैदान में उतरना ही उतरना है, उसमें से जो बड़े नाम हैं उनके नामों का ऐलान भी हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम हो सकता है, साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी हो सकते हैं। और आज जो जानकारी मिली है पार्टी सूत्रों की तरफ से कि आज जो सीईसी की बैठक होने वाली है, इस बैठक में जो अब तक, यहाँ बताना ज़रूरी है कि कई दौर की बैठक बीजेपी में कोर ग्रुप और कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है, यानी राज्यों में बैठक हो चुकी है राज्य के स्तर पर, जहां प्रत्याशियों के नाम पर विचार, यानी बीजेपी में जो फॉर्मेट है कि जिले से नाम आता है, फिर जिले पे मंथन, उसके बाद राज्य के ऊपर के स्तर पे मंथन होता है, राज्य के बाद फिर केंद्र में कोर कमेटी की बैठक होती है, कोर ग्रुप की बैठक होती है, फिर कोर ग्रुप की बैठक में जब चीज़ें तय हो जाती हैं तब सीईसी की बैठक होती है, यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है। तो इधर दो दौर की बड़ी बड़ी बैठकें अलग अलग राज्यों के कोर ग्रुप की हो चुकी है, यानी उसमें नामों पर मंथन किया जा चुका है। कई नामों पर, जैसे कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां से एक से ज़्यादा नाम हैं, दो नाम हैं, तीन नाम हैं, तो उन पर मंथन पहले कोर ग्रुप की बैठक में ही होती है कि आखिर सबसे जिताऊ उम्मीदवार कौन है, समीकरण किसके पक्ष में है, यानी जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, पॉलिटिकल जो केमिस्ट्री है वो किस तरीके से है, सोशल केमिस्ट्री किस तरीके से, इन तमाम बातों पर चर्चा और मंथन कोर ग्रुप की बैठक में होती है। तो दो दौर की बड़ी बैठक बीजेपी में यह हो चुकी है। एक बैठक तो बुधवार को ही हुई,
जो सुबह से लेकर और शाम तक चलती रही और अलग अलग राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर उसमें चर्चा हुई। और बीजेपी में यह भी परंपरा है कि जब तक कोर ग्रुप की बैठक नहीं होती है तब तक केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक नहीं होती है। तो लगभग राज्यों के बारे में कहा जा सकता है कि अब तक जो है कुछ राज्य अभी छूट गए हैं, उनके कोर ग्रुप की बैठक पूर्ण हो चुकी है। अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उस पर चर्चा होनी है। तो जैसा मैं पहले कह रहा था कि जो निर्विवाद नाम है, जो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे और लगभग जिनके लोकसभा क्षेत्र भी तय नज़र आ रहे हैं, हाँ कुछ केंद्रीय मंत्री हैं जिनके लोकसभा क्षेत्र अभी तक तय नहीं हैं और इस बात को लेकर के राजनीतिक अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि निर्मला सीतारमण कहाँ से, विदेश मंत्री एस जयशंकर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कहाँ से टिकट दिया जाएगा, पीयूष गोयल कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मनसुख मंडाविया हैं, उनका अपना भावनगर का क्षेत्र है तो पूरी संभावना है कि भावनगर से उनको टिकट मिल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जग जाहिर है कि कहाँ के सांसद हैं वो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब खुद ही तय करना है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उन पर कोई किसी बात की संशय हो, या अमित शाह के नाम पर संशय हो, या राजनाथ सिंह के नाम पर संशय हो, नितिन गडकरी के नाम पर संशय हो। तो जिन नामों पर संशय नहीं है, जिनका लड़ना कन्फर्म है, उन लोगों के नाम का ऐलान आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक के बाद कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है। साथ ही जो मैं बात पहले कह रहा था कि देश भर के जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, चुनाव की दृष्टि से बीजेपी ने उसको चार श्रेणियों में बांट कर रखा है, ए बी सी और डी, चार श्रेणी में बीजेपी ने बांटा है। तो जिसमें सी और डी वो श्रेणी हैं, डी श्रेणी वो है जिस पर बीजेपी लगातार पिछले दो बार से चुनाव हारी है और या उसके पहले भी चुनाव हारी है, यानी बीजेपी का संगठन जहां बहुत कमजोर है, जहां बीजेपी के जीतने की संभावना नगण्य है, जहां बीजेपी नहीं जीत सकती है, और वो भी सीट इसमें शामिल है जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव हार चुकी है, तो उसको सी कैटेगरी में रखा गया है। डी में जहां लगातार दो बार से बीजेपी चुनाव हारती रही है। तो जो जानकारी मिली है, जो संकेत पार्टी की तरफ से मिल रहे हैं कि सी और डी कैटेगरी की जो सीटें हैं उसके नामों की भी घोषणा बीजेपी आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कर सकती है। इसके पीछे पार्टी की रणनीति ये है, जिसको उन्होंने राज्यसभा, माफ़ करिएगा, जिसको विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने अपनाया था कि चुनाव की घोषणा हो उसके पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दो, ताकि उसे चुनाव प्रचार करने के लिए एक लंबा वक्त मिल जाए, पार्टी को अभियान चलाने के लिए लंबा समय मिल जाए, हर घर तक यानी हर मतदाता तक उम्मीदवार और पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंच जाएं। और इस बार चूंकि ब्रांड मोदी ही हैं, एक बार फिर से मोदी सरकार और मोदी को लेकर के पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्देश पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए हैं उसको घर घर पहुँचाना है। तो ये इस फॉर्मूले को बीजेपी के लिए कहें तो टेस्टेड और ओके फॉर्मूला है, और विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भी अच्छा निकला कि पहले बीजेपी ने घोषणा कर दी थी, तो उसी फॉर्मूले को अब लोकसभा में भी बीजेपी अपनाती हुई नज़र आ रही है कि डी और सी श्रेणी की जो सीट है उसके प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पार्टी पहले कर देगी, ताकि वहाँ पर चुनाव अभियान चलाने, चुनाव प्रचार अभियान के लिए पार्टी को भी और प्रत्याशी को भी पूरा वक्त मिले। तो हालांकि जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी की तरफ से पूरी तरीके से गोपनीयता है, आज कितने नामों पर बीजेपी फैसला करेगी ये भी गोपनीय है, क्या आज सीटों का ऐलान बीजेपी कर देगी ये भी गोपनीय है, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है तो उसके बाद बीजेपी नामों का ऐलान कर देती है, और कितने नामों का ऐलान करेगी ये भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ जो जानकारी मिल रही है, जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक 100 से ज़्यादा नामों की घोषणा पार्टी आज कर सकती है, जिसमें सी और डी श्रेणी की सीटें होंगी, साथ ही जिनका लोकसभा चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है और जिनके नामों पर कोई संशय नहीं है उनके नामों का ऐलान भी आज पार्टी कर सकती है। हालांकि सोर्स ये भी बता रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि 140 सीटों तक की घोषणा पार्टी की तरफ से आज की जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि 100 सीटों का ही ऐलान आज पार्टी करे। अगर आप बात करें तो बुधवार के दिन सुबह 11 बजे से लेकर देर शाम तक पार्टी ने अलग अलग राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक की, यानी जो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम पार्टी के जो नेता हैं अलग अलग राज्यों के जो बुलाए जाते हैं, जहां अगर बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, वहां के संगठन मंत्री, फिर केंद्रीय संगठन मंत्री, पार्टी अध्यक्ष और अन्य जो दूसरे लोग होते हैं, तो कोर ग्रुप की बैठक में ये सारी तमाम बातों पर चर्चा हो चुकी है। इस बात पर भी मंथन कंप्लीट हो चुका है कि वहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या है, जातीय समीकरण क्या है, किसे उम्मीदवार बनाया जाए तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन उन कोर ग्रुप की बैठकों में क्या कुछ फैसला हुआ, किन किन नामों को तय किया गया या विचार हुआ,
इन सब बातों पर भी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। लेकिन आज महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है। महत्वपूर्ण और बड़ा दिन इस लिहाज से है क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक है, यानी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इसमें नामों पर मंथन होगा। और मुझे तो इस बात की पूरी संभावना दिखाई दे रही है कि यह मैराथन बैठक होगी, जो कि पहली सूची का मामला है। और पहली सूची से बीजेपी आज से श्री गणेश कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का नाम तय करने के लिए, आज से श्री गणेश है। तो बीजेपी की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि अगर श्री गणेश हो रहा है तो अच्छे ढंग से हो। इसीलिए इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आज बड़े चेहरे, जो बड़े नाम हैं पार्टी के, खासतौर पर जिसके दम पर पार्टी चुनावी मैदान में है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी मोदी है तो मुमकिन है, पार्टी के नारा देती है, तो उनका भी नाम इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन आज जब बैठक होगी तो उसमें किन किन राज्यों पर चर्चा होगी, तो ये भी संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय मंत्रियों के नाम तो इसमें शामिल होंगे ही, बड़े चेहरे तो इसमें शामिल होंगे ही। साथ ही ये किस बात की भी संभावना है कि जिन राज्यों में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में अच्छी सफलता पाई थी लेकिन कुछ सीटें हार गई थी, जैसे उत्तर प्रदेश, जबरदस्त सफलता बीजेपी को मिली थी लेकिन कुछ सीटें पार्टी वहां हार गई थी, तो उन सीटों को लेकर के आज इसमें मंथन हो सकता है और उनके प्रत्याशियों के नाम सामने आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज बीजेपी में बड़ा दिन है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, सबकी निगाह इस बात पर जमी हुई है कि आखिर बीजेपी पहली सूची में किन किन नामों को शामिल करती है, किन चेहरों का की घोषणा करती है, किसको उम्मीदवार बनाती है। सब पर निगाह है, मेरी भी इस पर निगाह है। जैसे ही पूरी अपडेट आएगी फिर से आपको बताऊंगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।